आपने बात समझ लिया? हाँ, कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया, अब खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बुलाया कि सही कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है सजा होगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, अरे भाई रिलीज करिए हाथ को, आप लोग लेंस में आ रहा है, कोई करो दाई ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त एक घटना ने बिहार की राजनीति का पारा हाई कर दिया है। आपको बता दें, लालू यादव के भतीजे के बेटे तनुज यादव और नयन यादव पर कार्यपालक पदाधिकारी के पिटाई करने का आरोप लगा है, जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। लालू यादव के नाती पर ये आरोप लगा है, जिसके बाद लगातार भाजपा बिहार सरकार को लालू यादव को घेरती नजर आ रही है। लगातार भाजपा बिहार सरकार पर उंगली उठा रही है, कह रही है कि बिहार में इस वक्त गुंडा राज पूरी तरीके से स्थापित हो गया है। अब तो लालू यादव के परिवार के लोग खुद ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इस पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं कि आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं हैं। मैंने खुद कल ही एसएसपी को फोन करके कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जानी चाहिए, चाहे कोई परिवार वाला हो या कोई अपना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी कुछ गलत किया है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। तेजस्वी, गोला रोड में एक मारपीट हुई है, पदाधिकारी की पिटाई हुई है, गोला रोड में पदाधिकारी की पिटाई हुई है और लोग नागेंद्र राय के लड़के तनुज यादव का नाम ले रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, हाँ, कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया, अब खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बुलाया कि सही कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है सजा होगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, अरे भाई रिलीज करिए हाथ को, आप लोग लेंस में आ रहा है, कोई करो दाई ने, कोई भी बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अमित तेजस्वी यादव को जानते नहीं है, हम खुद ही फोन करके बोले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अमित, जो भी होगा जांच होगा, अगर कोई गलती किसका होगा वो बड़ी खबर है। लालू यादव के नाती तनुज यादव नयन यादव पर कार्यपालक पदाधिकारी की पिटाई करने का आरोप लगा है, जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। लगातार भाजपा आरोप लगा रही है कि एक बार फिर बिहार में गुंडा राज जो है वो स्थापित हो गया है। इस पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साफ साफ कह दिया कि आप लोग तेजस्वी यादव को नहीं जानते, कोई परिवार वाला हो, रिश्तेदार हो, अपना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी गलत किया है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी अब कर ली है। तनुज यादव नयन यादव के घर पर छापेमारी की गई थी, छापेमारी में ये दोनों तो फरार हो गए, लेकिन उनके चचेरे भाई की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। साथ ही सिटी एसपी ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही वो दोनों सरेंडर नहीं करते हैं, गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं, तो कुर्की जब्ती भी की जाएगी उनके घरों की। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि कोई रिश्तेदार हो, अपना हो, परिवार वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी गलत किया है, जिसने भी इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, उसकी गिरफ्तारी पूरे मामले में जरूर की जाएगी। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।